नवगठित शहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वीडियो जारी कर नागरिक संशोधन एक्ट के बारे में असामाजिक तत्व द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि नागरिक संशोधन एक्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठनों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर डीएम बुलंदशहर ने जनपद वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि नागरिक संशोधन एक्ट के तहत जनपद निवासियों को भी दस्तावेज परीक्षण कराने होंगे, जो कि पूर्ण रूप से गलत अफवाह है। डीएम ने जनपद वासियों को विश्वास दिलाया कि नागरिक संशोधन एक्ट से देश पर किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये एक्ट तीन पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती कार्यवाही की जाएगी। जिला पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है तथा जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी। नमस्कार, मैं रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी बुलंदशहर बोल रहा हूँ। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वर्तमान में यहां रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। यह विधेयक आसपास के तीन देशों के सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। इससे यहां रह रहे वर्तमान नागरिकों पर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन भ्रांतियों पे ना जाएं और ऐसी अफवाह फैला रहे लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना दें, ताकि हम कानून व्यवस्था मुस्तैद रखने के लिए ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें। मुझे मालूम है और मेरा विश्वास है कि आप भी नहीं चाहेंगे कि जिस घर में आपकी माँ और बहनें रहती हैं, उस घर के आसपास इन असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों के कारण खून खराबा हो। धन्यवाद। बुलंदशहर से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।